मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। फुटबॉल का मैदान पल भर में कैसे मौत का मैदान बन गया, जिसमें 127 लोगों की जान चली गई जबकि 180 लोग घायल हैं। ये घटना इंडोनेशिया के पूर्वी जावा की है, जहां ग्राउंड पर इस कदर हिंसा भड़क गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। बताया जा रहा है कि अरेमा FC और पार्सेबाया और सुरबाया के बीच मैच चल रहा था। एक टीम के हारने के बाद टीम के समर्थकों ने पिच पर हमला बोल दिया। हमले की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 127 लोगों की मौत हुई है जबकि 180 लोग घायल हैं, जिसमें दो पुलिस कर्मियों की भी मौत की खबर सामने आई है। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान ही हिंसा में स्टेडियम में ही सिर्फ 34 लोगों की मौत हो गई थी जबकि अन्य लोगों ने इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की फुटबॉल मैच के दौरान है, जहां एक टीम के हारने के बाद समर्थकों का हुजूम मैदान में कूद पड़ा और यहां पर जमकर हिंसा हुई। हिंसा के दौरान जो है यहां पर मौत की खबरें सामने आई हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।